6 जून की शब बालासोर के सुनहर काजी आस्ताना में अशरफ सूफिया हजरत सैयद गुलाम कादरी अलैहि रहमा की ओर से चहलुम के मौके पर एक शानदार जलसा बनाम जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाकिद किया गया। जलसा में औलादे गौसे आजम पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शरफुद्दीन नय्यर कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली की सरपरस्ती रही, तो वही हाफिज वकारी अब्दुल तौहीद कादरी और मौलाना गुलाम सरवर नेमती ने निकाबत और निजामत के फराइज को बखूबी निभाया। जलसा में मुकर्रर खुसूसी की हैसियत से हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम मिसबाही साहब और एजाजी खतीब की हैसियत से शहर बालाशोर के काजी शरा मुफ्ती गुलाम हैदर मिसबाही, मौलाना मोहम्मद रकीब मन्नानी, मौलाना गुलाम रब्बानी, मुफ्ती गयासुद्दीन मिसबाही, मौलाना अब्दुलरहमान सादी, मौलाना अकीलुर रहमान मुजाहिदी और मौलाना फिरोज रिजवी ने शिरकत कर अपनी नूरानी खिताबात से लोगों के दिलों में अजमत सैयद भर दिया। शायर इस्लाम में अशरफ रजा मुजफ्फरपुर, इरशाद आरजू बालाशोर, सरफराज उल्फत कोलकाता, बदरुल हसन बदर बालाशोर, गुलबहार मुजाहिदी धामनगर और एजाजुल मुस्तफ़ा शरी के बज़्म रहकर अपनी मुतन्नम आवाज़ में नात मनाकिब पेश कर सामाइन को खूब खूब महसूस किया। जलसा के दरमियान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम मिसबाही साहब के दस्त मुबारक से सवानाए अशरफुस सूफिया किताब का रस्म इजरा किया गया और औलादे गौसे आजम पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शरफुद्दीन नय्यर कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली ने हाफिज वकारी अब्दुल तौहीद कादरी साहब के सर पर दस्तार बांधकर नायब काजी शरा की जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर शहर बालाशोर के तमाम मसाजिद के अइम्मे हजरात मौलाना हाफिज और आलिम दीन रौनक स्टेज रहे, तो वहीं सैकड़ों सामईन इस उर्स चहलुम में शिरकत की। यह अजीम शान जलसा रात 1:52 पे कुल शरीफ और फातिहा खवानी से इख्तिताम हुआ। इस उर्स चहल्लुम और जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाब बनाने में अशरफुस सूफिया हजरत सैयद गुलाम कादरी अलैहि रहमा के अहले खाना अहबाब व अकारिब के साथ शेख अब्दुल कामिल, शेख अब्दुल जाहिद, शेख शहाउद्दीन, शेख अब्दुल रफीक, हाजी शेख जहीरुद्दीन और शेख शरीफ मोहम्मद के अलावा बड़ा अस्ताना इंतजामिया कमेटी और भुजा किया पीर बाबा मजार कमेटी के तमाम मेंबरानों ने अपना अपना ताउन पेश किया। उनकी खुशी का आलम क्या होगा? हफ्ता इन्हें है मेहनत किया, ये जो तोहफा पेश किया जाता है दुआ का, इंसानी समाज का, नजर न्याज का, ये तोहफा साहिब कब्र को तमाम कायनात और कायनात में जो कुछ है उससे ज्यादा महबूब और पसंद किया। हर आदमी को चाहिए किसी के बहकावे में ना आ। मैं फिर कहता हूं
और ये जमाए बारह बारह सौ आपके पीछे पीछे आपके कदम को जब जमाने से रोकेंगे तो नहीं, क्योंकि रोकना इनका काम नहीं, आपको समझाएंगे, निशानदेही करेंगे रास्ते, बना रास्ते पे चलो, बना रास्ते पे न चलो। आजकल शीयत और आफियत गलगला बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी जमाने में देवबंदियत और बहावियत थी, कादियानियत, और आजकल राफजियत बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? हम में से किसी ने उसका साथ दिया तब न उसको याद रखना, अगर अपने ईमान को न बचाओगे तो न हम बचाएंगे ईमान ही नहीं रहेगा तो बचाएंगे। फिर से नयापन और नए अंदाज में माई फेवरेट सोप आपकी खिदमत में। फैंसी साड़ी हो या कॉटन साड़ी, फैंसी कुर्ती हो या कलरफुल लेगिंग्स, नाइटी लेनी हो या कुर्ती सेट, अबाया बुर्का ड्रेस पीस हो या रेडीमेड ड्रेस, एक बार फिर से आइए मोतीगंज टाउन थाना इलेक्ट्री ऑफिस के सामने माई फेवरेट सोप के नए शोरूम में, जहां आपको सही कीमत पर आसानी के साथ महिलाओं के पसंद का हर कपड़े मिल जाएंगे। राब्ता करें 9439833215।